हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत पुलिस और नगर परिषद ने निकाली कोरोना जागरूक और ऑपरेशन आवाज अभियान रैली। पाली जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोगी के निर्देशानुसार महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार को रोकने, बलात्कार की घटनाओं को कम करने, अंकुश लगाने, साथ ही वैश्विक कोरोना महामारी में लोगों को जागरूक करने के अभियान के अंतर्गत अपना ऑपरेशन अभियान के तहत सोजत DYSP डॉक्टर हेमंत कुमार के निर्देशन में थाना अधिकारी रामेश्वर लाल भाटी सहित पुलिस कर्मियों द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। नगर परिषद और पुलिस के तत्वावधान में अपना ऑपरेशन एवं COVID-19 सुरक्षा जन जागरूकता अभियान रैली में स्कूल की छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। थाना परिसर से आरंभ हुई इस जागरूक रैली मुख्य बाजार क्षेत्र से होते हुए समूचे नगर से गुजरी। इस दरमियान पुलिस वार्ता अधिकारी द्वारा एवं नगर परिषद चेयरमैन द्वारा लोगों में मास्क बांटे गए, लोगों को सरकारी गाइडलाइन में रहने, सरकारी नियमों का पालन करने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का आह्वान किया गया। साथ ही अपना ऑपरेशन अभियान एवं COVID-19 सावधानी जन जागरूकता अभियान में अपनी सहभागिता निभाने का आह्वान नगर परिषद प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया। गौरतलब है कि जिला कलेक्टर अंशदीप एवं पाली पुलिस कप्तान राहुल कोटोगी के निर्देशानुसार जिले भर में ये अभियान चलाए जा रहे हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राहुल कोटोगी साहब एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार ऑपरेशन आवाज के तहत थाना पुलिस सोजत सिटी व नगर पालिका प्रशासन द्वारा आज सोजत कस्बे में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमान SDM साहब ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली SDM चौराहे से रवाना होकर सोजत कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरी। इसमें राज्य सरकार के कोरोना महामारी के लिए नो मास्क नो एंट्री व मास्क वितरण का भी कार्य किया गया तथा लोगों को इस अभियान में जागरूकता के संदर्भ में टी शर्ट भी नगर पालिका द्वारा बांटे गए। जागरूक टीवी के लिए सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।